बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और सभी का हार्दिक अभिनंदन। कल हम लोगों का प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल मेकाहरा की बैठक हम लोगों ने आयोजित किया था और ऑटोनॉमस बॉडी की मेकाहरा और डीकेएस दोनों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से जो मेकाहरा हॉस्पिटल है उसको प्रदेश का सबसे उत्कृष्ट हॉस्पिटल बनाने हेतु समिति के सदस्यों के साथ हम लोग बैठकर निर्णय किए और उस दिशा में बहुत कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने हेतु सहमति लिया गया। इसमें मुख्य रूप से 7 साल से जो पेट स्कैन मशीन जो बंद है उसको 3 महीने के अंदर प्रारंभ करने हेतु निर्णय लिया गया है। उसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया होंगी वो चलते रहेंगे लेकिन उसके स्थापना के भी काम साथ के साथ चलते रहेंगे। उसी प्रकार से सुरक्षा को लेकर जो बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी नियुक्त करना था जिसकी पहले भी चिंता हम सब लोगों ने किया था बंगाल की घटना को देखते हुए, तो उसके लिए 12 बंदूकधारी हॉस्पिटल के लिए और 12 बंदूकधारी मेडिकल कॉलेज के लिए सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने के साथ साथ उनके एक जो है संचालन करने के लिए उनका हेड भी नियुक्त करने हेतु निर्णय किया गया है। साथ ही साथ जो हॉस्पिटल है बहुत पुरानी बिल्डिंग है और लोगों को विभिन्न डिपार्टमेंट के लिए पूछना पड़ता है, भटकना पड़ता है, दूर दराज से आए हुए लोगों को जानकारी नहीं होती है, उसके लिए जगह जगह पर साइनेज लगाए जाएंगे और हॉस्पिटल का जो बाहरी और आंतरिक आभा मंडल है उसको भी सौंदर्यीकरण के साथ जो है अपग्रेड करने हेतु निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ सुरक्षा के मद्देनज़र जो CCTV कैमरेज हैं उनको जितनी भी आवश्यकता होगी ऐसे गलियारे में या हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल कॉलेज में उन सभी जगहों में CCTV कैमरा लगाएंगे और साथ ही साथ अलार्म सिस्टम भी होगा जो कंपोजिट रूप से अलार्म का सिस्टम सिक्योरिटी के लोग उसको देखेंगे कि कहाँ पे ये कोई दिक्कत हो रही है, जैसे ही घंटी बजेगी वहाँ पहुँचेंगे और जो CCTV है उसकी भी मॉनिटरिंग के लिए एक यूनिट बनाकर उसको रिपोर्ट पर डे या वीकली उस पर जो है डिपार्टमेंट के लोग समीक्षा करेंगे। इसी प्रकार से जो पोस्टमार्टम लेट लतीफ होते हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी हैं उसको 3 से 7 दिन के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे और कई ऐसे पोस्टमार्टम होते हैं जिनको संख्या ज़्यादा होने की वजह से करने में समय लगता है, इसलिए अभी हाई टेक्नोलॉजी वाला जो वर्चुअल पोस्टमार्टम मशीन एक आया है जो लगभग 7 करोड़ के आसपास का आएगा उसको भी लेने का मेकाहरा में निर्णय किया गया है। साथ ही साथ यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, चूँकि हॉस्पिटल कहने से इलाज ही लगता है लेकिन जब हम एडमिट करते हैं तो उसको होटल जैसी पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो एक हॉस्पिटलिटी जिसमें जब हम किसी होटल में रुकने जाते हैं तो वहाँ रूम की साफ़ सफाई, बेड सीट, उसके बेड, टॉयलेट बाथरूम, उसके नाश्ते भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सारा चीज़ जो है होटल मैनेजमेंट से किए हुए जो लोग हैं उनसे ऑपरेट कराएंगे मॉनिटरिंग के लिए और ये अलग से ही इसके सुचारू रूप से चलाएंगे। और दूसरा, कई मरीजों को जैसा कि मैंने एक साइनेज की बात कही उसी प्रकार से डॉक्टरों से मिलाने के लिए, उनको चेकअप करने के लिए या उनको कहाँ जाना है उसके लिए जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट किए हैं ऐसे लोगों को लगाकर काउंसलिंग का काम या उनको बताने का काम करने के लिए एक अलग सेपरेट जो है मेन पावर रखे जाएंगे, इसके लिए भी निर्णय हुआ है ताकि लोगों को जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके जैसा ही फील हो, वैसा ही उनको
सुचारू रूप से मदद मिल सके। साथ ही साथ हॉस्पिटल में और अच्छे से अपग्रेडेशन के लिए जो हमारा हार्ट का यूनिट है उसको और अच्छा करने के लिए जो भी मानव संसाधन और राशि की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ जो साफ सफाई और अन्य क्लिनिकल वर्क के लिए जो एचआर की आवश्यकता होगी उसको भी भरने के लिए कल निर्णय किया गया है, ताकि फुल सेटअप के साथ मेकाहारा पूरी तरह से रन कर सके। इसी तरह से डीकेएस में भी जो गैस पाइपलाइन कोरोना के समय से बन रहा था, तो संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने का और उसके खिलाफ एफआईआर करने का भी कल निर्णय लिया गया है। और डीकेएस के साथ साथ जो मेकाहारा है उसमें एमआरआई मशीन और सीटी मशीन जो पुराने हो चुके हैं उसके लिए नए मशीन भी खरीदने के लिए कल प्रस्ताव में कमेटी में पारित किया गया है। इसी प्रकार से डीकेएस में जो हमारे पुराना डीएमई कार्यालय है उसके लिए जो एमसीएच के छात्र हैं उसको हॉस्टल के रूप में उपयोग करने की, जो हम नगर निगम का 100 कमरे का एक कक्ष कहीं है उसको भी छात्रावास के लिए लेने का निर्णय किया गया है।